हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेस किचन। आज मैं बनाऊंगी भरमा टिंडे। अगर आपको टिंडे पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भरमा टिंडे बनाना। भरमा टिंडे बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम टिंडे। टिंडे आप मीडियम आकार के ही लें। टिंडे का मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 बड़े प्याज जिसे मैंने काट लिया है, और मसालों में मैंने यूज़ किया 1 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैंने लिया है अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है सरसों का तेल, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं भरमा टिंडे बनाना। सबसे पहले हम भरमा टिंडे का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें हम ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे, लहसुन की कलियाँ और अदरक और हरी मिर्च को काट के डालेंगे, और इन सभी मसालों को भी इसमें डाल देंगे, अमचूर पाउडर। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 चम्मच करीब, और इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। देखिए मसाला हमारा पीस चुका है, इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा मसाला बना है, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाला हमारा तैयार है, इसे हम साइड में रख देते हैं और टिंडे को छील लेंगे। टिंडे का हम ये काला काला भाग निकाल देंगे दोनों साइड से, और इसको अच्छे से छील लेंगे। टिंडे को मैंने अच्छे से छील लिया है, इसमें अब हम 4 कट लगा देंगे इस तरह से। टिंडों को आप बनाने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, तभी इसको बनाएं। देखिए इस तरह से, बाकी के टिंडे भी मैं इसी तरह से छील के तैयार कर लूंगी। देखिए टिंडों को हमने छील लिया है, और इसमें हमने क्रॉस कट भी लगा लिए हैं। अब हम इसमें मसाला भर देंगे इस तरह से, दूसरे क्रॉस में भी भर देंगे, चम्मच से अंदर डाल डाल कर। देखिए इस तरह से हम टिंडों को भर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा टिंडा भर लेती हूँ। सारे टिंडों को हम इसी तरह से भर के तैयार कर लेंगे। सभी टिंडे को हमने अच्छे से भर लिया है, और गैस पे कुकर रख दिया है। भरमा टिंडे बनाने के लिए मैंने गैस पे कुकर रख दिया है। आज हम टिंडों को कुकर में बनाएंगे, और इसमें ये तेल डाल देते हैं, इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें धुआं भी निकलने लगा है। तो हम एक एक करके ये टिंडों को डाल देंगे। इस तरह से जिससे सभी टिंडों के ऊपर ये तेल लग जाए। इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से मीडियम गैस तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए ये टिंडे हमारे भुन चुके हैं, और जो बचा हुआ मसाला है इसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसे फिर एक बार चला देते हैं। इसे हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। गैस को बिल्कुल कम कर लें। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुकी है, और मसाला भी हमारा हल्का सा भुन गया है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसमें थोड़ा सा हम पानी का छिड़काव लगाएंगे, और एक बार चला के इसे मीडियम गैस पे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। बस हमारे भरवा टिंडे बस थोड़ी सी देर में ही तैयार हो जाएंगे। कुकर की हमारी स्टीम निकल चुकी है, इसे हम खोल लेते हैं, इसे हम सर्व कर लेते हैं। भरवा टिंडे हमारे तैयार हैं। अगर आपको भरवा टिंडे की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।